फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए मैंने ये 8 नंबर की यहाँ सिलाई ली है और ये 2 कलर की ऊन ली है। पहले फर्स्ट कलर से हम फंदे डालेंगे। यहाँ ऐसे एक नॉट लगा लेंगे, एक फंदा हमारे नॉट से हो जाता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह हमें ये 28 फंदे डालने हैं। तो मैं 28 फंदे डाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 28 फंदे डाल दिए हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अब इस सिलाई को हमें उल्टा बुनने हैं, सारे फंदे हमें उल्टे बुन के कंप्लीट करने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है। पहली सिलाई फ्रेंड्स इस तरह फंदे डालने से टाइट होती है, तो इसे आराम से बनाना चाहिए। आप जिस तरह भी फंदे डालते हैं वैसे ही फंदे डाल सकते हैं। ये फंदे डालने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए मैंने ये ऐसे फंदे डालने का तरीका आपको बताया है। एक सिलाई उल्टी बुन ली है और ये सीधी साइड है, इस सिलाई को भी उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। तो मैं सिलाई उल्टा बुन लेती हूँ, पहला फंदा बिना बुने उतारना है, बाकी सारे फंदे धागा अपनी तरफ करना है और सारे फंदे उल्टे, और इस सिलाई को भी हमें उल्टा उल्टा बुनना है। इस तरह फंदे डालने के बाद 3 सिलाइयाँ उल्टी बुननी है। तो मैं 3 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 2 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है, 1 सिलाई और बुननी है। 3 सिलाइयाँ फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 फंदे हमें फर्स्ट कलर से बनाने थे। एक फंदा उतारा, इस धागे को अपनी तरफ किया और एक फंदा उल्टा बुन लेना है। अब यहाँ हमें सेकंड कलर लगाना है। सेकंड कलर से आठ फंदे उल्टे बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर 8 फंदे हमें फर्स्ट कलर से बनाना है। तो मैं यहाँ दूसरा धागा लगा रही हूँ। यहाँ से हमें फिर धागा लेने में काफ़ी धागा हमारा लंबा खींच जाएगा, तो यहाँ मैं अलग से गोला लगा रही हूँ। तो 8 फंदे हमें इस कलर से बनाने हैं। 1, इस धागे को भी ऐसे ले लेंगे, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर 8 फंदे हमें सेकंड कलर से बनाने हैं। तो मैं यहाँ फिर सेकंड कलर का दूसरा गोला लगा रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 3, 3, 6, 7, 8।
दो फंदे हम फिर फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट कलर लगा रही हूँ, एक इस धागे पर से ले लेंगे दो, फिर सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बुनना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारना है और इस फंदे को उल्टा बुन देना है। फिर धागा पीछे किया, फर्स्ट कलर को आगे लाए, आठ फंदे फर्स्ट कलर से बनाने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर इस धागे को पीछे किया और फर्स्ट कलर को आगे ला के आठ फंदे फर्स्ट कलर से बनाने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर इस धागे को पीछे किया और सेकंड कलर को आगे लाना आठ फंदे सेकंड कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, फिर इस कलर को पीछे किया फर्स्ट कलर को आगे लाए दो फंदे फर्स्ट कलर से बना देने, एक और ये दो। फिर उल्टी सिलाई में भी जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुनना है। तो पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा बुन देंगे, फिर आठ फंदे हम सेकंड कलर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, फिर यहाँ इस कलर को इधर लिया और फर्स्ट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे फर्स्ट कलर से बनाए फिर आठ फंदे सेकंड कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर दो फंदे फर्स्ट कलर से। इस धागे को हम ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करते हुए इधर लाना है और ये दो फंदे फर्स्ट कलर से बना लेने हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स मैंने दो दो सिलाइयाँ ये बना ली हैं, दो सिलाइयाँ बना ली हैं मैंने। फर्स्ट कलर से दो फंदे डाले, दो फंदे बुने, फिर आठ फंदे सेकंड कलर से, फिर आठ फंदे फर्स्ट कलर से, फिर आठ फंदे सेकंड कलर से और लास्ट में दो फंदे फर्स्ट कलर से। तो इस तरह बुनते हुए फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छः धारियाँ मैंने ये बना ली हैं, छः सिलाइयाँ इस साइड से और छः सिलाइयाँ इस साइड से, तो 12 सिलाइयाँ मैंने बुन ली हैं कलर चेंज करने के बाद। अब हमें उल्टी साइड में क्या करना है, ये दो फंदे तो हमें इसी कलर से बनाने हैं और जो ये आठ फंदे हैं इन्हें हम फिर फर्स्ट कलर से बनाएंगे। तो दो फंदे ये हो गए, एक तीन चार पाँच, इस धागे को भी आगे ले जाना है, छ सात आठ नौ दस और दो फंदे यहाँ से ले लेंगे, ग्यारह बारह, बीस के हमने आठ फंदों में से दो फंदे बना लिए हैं। फिर एक दो तीन चार, चार फंदे हम सेकंड कलर से बनाएंगे और ये दो फंदे फिर हम फर्स्ट कलर से बना लेंगे। एक दो, फिर ये आठ फंदे भी हम इस कलर से बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और दो फंदे ग्यारह बारह। तो दो फंदे ये हो गए, आठ फंदे ये दस और दो फंदे हमने यहाँ से लिए बारह, और बारह फंदे इधर, दो फंदे ये, आठ फंदे ये और दो फंदे इधर से, बारह फंदे इस कलर से और चार फंदे हमने सेकंड कलर से बनाए। तो सीधी सिलाई में भी फिर जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बुन के कंप्लीट करना है।
सीधी सिलाई मैंने बुन ली है, फिर से उल्टी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से उस कलर से बनाने हैं। एक फंदा उतारना है, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, इस धागे को भी हम ऐसे आगे ले जाएंगे, ग्यारह बारह, बारह फंदे फर्स्ट कलर से बनाए, फिर इस धागे को ऐसे क्रॉस करके लिया, इसको आगे लाए, छः फंदे सॉरी चार फंदे इस कलर से बना लेंगे, फिर बारह फंदे हम ब्लू कलर से बनाएंगे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन, इस धागे को भी फिर हम आगे, हम इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इन्हें आगे लेते रहेंगे, जो छूट रहे हैं जिन धागों को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन्हें भी आगे लेते जाना है। इस धागे को भी ऐसे आगे ले लेंगे, फिर सीधी सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट करना है। तो इस तरह फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये 12 सिलाइयाँ बनाई थी, 6 सिलाइयाँ इस साइड से और 6 सिलाइयाँ इस साइड से, वैसे ही इनको भी 12 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दो तीन चार पाँच छः सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड से यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया कलर चेंज करने के बाद। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ये कलर यहाँ लगाना है और इस कलर को यहाँ लगाना है। तो यहाँ पहले दो फंदे हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे, एक दो, फिर आठ फंदे सेकंड कलर से, तो सेकंड कलर को आगे लाएंगे, एक दो तीन, इस धागे को भी ऐसे ले लेंगे, चार पाँच छः सात आठ, फिर आठ फंदे हम इस कलर से बनाएंगे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन, इस धागे को ऐसे ले लेंगे नहीं तो हमारा ये धागा लंबा दिखेगा, चार पाँच छ सात और ये आठ, फिर आठ फंदे सेकंड कलर से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर आठ फंदे हम सॉरी दो फंदे फर्स्ट कलर से बनाएंगे, एक और ये दो, फिर सीधी साइड जो कलर जिस कलर जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बनाएंगे। तो एक फंदा उतारा, धागे को अपनी तरफ किया, इस फंदे को उल्टा बुन देना, फिर धागा पीछे सेकंड कलर को आगे लाएंगे, आठ फंदे सेकंड कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, फिर धागे को पीछे किया, फर्स्ट कलर को आगे लाए, आठ फंदे फर्स्ट कलर से, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर धागा पीछे किया और ये सेकंड कलर को आगे लाएंगे और आठ फंदे सेकंड कलर से बना देंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, फिर इसको पीछे किया, फर्स्ट कलर को आगे लाना है दो फंदे फर्स्ट कलर से, तो एक फंदा उल्टा बनाए, लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है। तो इस तरह फ्रेंड्स 12 सिलाइयाँ फिर हमें
जैसे हमने ये कलर चेंज किया है वैसे ही, जैसे ये डब्बी बनाई है हमने, 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ हमने इस साइड से बनाई है, 6 सिलाइयाँ इस साइड से, तो वैसे ही इस बार भी हमें जैसे हमने ये डिब्बी बनाई है वैसे ही यहाँ बनाना है। 6 सिलाइयाँ हमें सीधी साइड से बनानी है और 6 सिलाइयाँ उल्टी साइड से। तो मैं ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 6 सिलाइयाँ मैंने दोनों साइड से यहाँ कंप्लीट कर ली हैं। 6 सिलाइयाँ इधर से बनाई हैं, 6 सिलाइयाँ इधर से। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ ये दो सिलाइयाँ फर्स्ट कलर से उल्टी बुन के कंप्लीट की हैं, वैसे ही अब यहाँ से हमें फर्स्ट कलर लगाना है। सेकंड कलर को हमें यहीं छोड़ देना है। एक फंदा उतारा, अब बाकी सारे फंदे सेकंड कलर से बुन लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 सिलाइयाँ मैंने उल्टी बुन ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ सारे फंदे बंद करने हैं। तो दो फंदों को एक साथ बुनना है और दो का एक कर देना है। फिर इस फंदे को वापस इस सिलाई में लेंगे और इन दो फंदों को, एक फंदा यहाँ से लेके इन दो फंदों को एक कर देंगे। फिर वापस इस फंदे को इस सिलाई में लिया, एक फंदा यहाँ से और दो फंदों का एक करना है। इस तरह हमें सारे फंदे बंद करने हैं, दो फंदों का एक करते हुए सारे फंदे बंद कर देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे फंदे बंद कर दिए हैं। तो इस तरह हमारा ये डोरमेट यहाँ बन के कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये डोरमेट डिज़ाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिज़ाइन कैसे लगा। थैंक यू।